बात है बहादुरगढ़ की, जहां बहादुरगढ़ में पंजाबी समाज का जनसंवाद कार्यक्रम था। जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। दीपेंद्र हुड्डा से पंजाबी समाज की धर्मशाला के लिए जमीन मांगी गई। बीजेपी पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना बेसा था। उन्होंने कह दिया कि विकास की रफ्तार बीजेपी ने धीमी कर दी और इसको रोकने का भी काम किया। ये भी उन्होंने बात कहते हुए सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारे समय 81 किलोमीटर हरियाणा के अंदर मेट्रो आई, 81 किलोमीटर। चार शहर मेट्रो से जुड़े, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़। 2010 में फैसला हुआ भारत सरकार का कि दिल्ली से बाहर मेट्रो जा सकती है, दिल्ली टेरिटोरियल बॉर्डर दिल्ली। और चार साल में चार शहरों को 81 किलोमीटर मेट्रो बना के जोड़ने का हमारे समय हुआ। दुख की बात यह है कि पिछले 10 साल में, मैं नहीं कहता 81 किलोमीटर, मैं नहीं कहता 8 किलोमीटर, मगर 8 खंभे तो कहीं मेट्रो के आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन एक भी खंभा मेट्रो का किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ विकास की पटरी में हरियाणा चढ़ा था। ऐसे ही बहादुरगढ़ की हम बात कर रहे थे पहले, तो बहादुरगढ़ में चाहे मेट्रो हो, चाहे बाईपास हो, चाहे फुटवे पार्क हो, चाहे बहादुरगढ़ में ITI कॉलेज, अस्पताल हो, लाइन पार की सारी चाहे व्यवस्था हो, चाहे लाइन पार का पुल हो, और लाइन पार के पुल के साथ जब पुल की आई तो साथ में आई कि जी अंडरपास भी बनवाओ, तो अंडरपास भी मैंने मंजूर करवाया था। और जब मंजूर कराया तो इतने में 2014 के अंदर सरकार में परिवर्तन आया, वो जो सारा उसका जो पैसा मंजूर कराया हुआ था अंडरपास का, वो भी अच्छे से इस सरकार में अच्छी देखरेख से नहीं लगा।